अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या सेल डीड में एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर ने अपने अपने राइट्स लाइबिलिटीज को क्लियरली मेंशन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में, तो उन पर वही राइट्स और वही लाइबिलिटीज एप्लीकेबल होंगे। लेकिन इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या सेल डीड में बायर और सेलर ने अपने राइट्स या लाइबिलिटीज को मेंशन नहीं करा है, ऐसे कंडीशन में सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 55 राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर के बारे में बात करता है। अपने कल के वीडियोस में हमने सेक्शन 54 ऑफ टीपीए के बारे में बात किया, जो कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। सेल को करते समय हमने कुछ पॉइंट्स को नोटिस किया, जैसे सेल क्या है। सेल एक टू वे ट्रांजैक्शन है जिसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड। दूसरा, सेल में टू पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक बायर और दूसरा सेलर। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे, जो कि इन दोनों ही पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटीज को बताता है। और ये राइट्स, ये लाइबिलिटीज कब एप्लीकेबल होंगे, जब एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल दोनों ही पार्टीज यानी बायर और सेलर ने अपने अपने राइट्स या लाइबिलिटीज को मेंशन नहीं किया था, तब यही राइट्स और लाइबिलिटीज एप्लीकेबल होंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो सेक्शन 55 आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन 55 में बायर और सेलर के राइट्स लाइबिलिटीज को 6 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है, या हम ये कह सकते हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर अंडर सेक्शन 55 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पॉइंट्स और 6 पैराग्राफ्स। पैरा 1, 2, 3 ये सेलर के लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है, यानी पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 टॉक्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज ऑफ सेलर। पैरा 4 सेलर के राइट्स के बारे में बात करता है। पैरा 5 बायर के लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। और पैरा 6 बायर के राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, चलो अगर हम पैरा 1 ऑफ सेक्शन 55 को देखें तो ये फर्दर 7 क्लॉजेस में डिवाइड है। अगेन, पैरा 1 ऑफ सेक्शन 55 फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 क्लॉजेस, 7 क्लॉजेस में डिवाइड है ये, क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज जी तक। आइए इन 7 क्लॉजेस के बारे में बात करते हैं। एक बात आप दिमाग रखो कि जब हम पैरा 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सेलर्स लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या सेलर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं। पैरा 1 क्लॉज ए कहता है इट इज लाइबिलिटी ऑफ सेलर, ये सेलर का लाइबिलिटी है, टू डिस्क्लोज ऑल दोज मटेरियल फैक्ट्स विच बायर कुड नॉट डिस्कवर विथ ओरिजिनल केयर। सेक्शन 55 का पैरा 1 का क्लॉज ए कहता है कि ये सेलर का
लायबिलिटी है कि वो सभी मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करे बायर के सामने। मटेरियल फैक्ट्स का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसे फैक्ट्स हैं या कोई ऐसे डिफेक्ट्स हैं प्रॉपर्टी में जो कि बायर आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है, आसानी से उसे फाइंड आउट नहीं कर सकता है, तो ये सेलर का लायबिलिटी है कि वो उन सभी मटेरियल फैक्ट्स को पहले डिस्क्लोज करे बायर के सामने। और यदि सेलर ऐसा नहीं करता है तो आगे कहता है, इफ सेलर ओमिटेड टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स इट वुड बी कंसीडर्ड एज फ्रॉड। अगर सेलर मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करता है या भूल जाता है तो ये फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो ए सेलर है, इसके पास ये लैंड है और यहां पे बी बायर है। ए अपने लैंड को सेल करता है बी को, लेकिन उससे ये बात कहता है कि उसका जो लैंड है वो सभी प्रकार के क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है, लेकिन इन रियलिटी ए ये जानता है कि उसका ये जो लैंड है वो केवल वीट के प्रोडक्शन के लिए क्या है, आइडियल है। तो इसने ये बात बी विच इज बायर से छुपाई। इट इज मोर, इट इज मटेरियल फैक्ट। और यदि सेलर ऐसा करता है तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड। ठीक है, ओके। अब क्योंकि बायर लैंड को देख करके तो बता नहीं सकता कि ये किसके प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है, राइट, तो अपने ऑर्डिनरी केयर से, अपने ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से बायर इज नॉट इन पोजिशन टू फाइंड आउट द डिफेक्शन और टू फाइंड आउट द डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी। उसे हम कहते हैं व्हाट, मटेरियल डिफेक्ट। ओके, अब ये तो हो गया पैरा वन क्लॉज ए जो कि मटेरियल डिफेक्ट के बारे में बात करता है, मटेरियल फैक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, क्लॉज बी कहता है प्रोडक्शन ऑफ ऑल एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स बिफोर बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। अब देखो, अगर बायर आपसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट मांगता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए तो ये सेलर की लायबिलिटी है कि वो उन सभी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे बिफोर बायर। क्लियर, ओके। तो क्लॉज बी टॉक्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स बिफोर बायर। क्लियर, अब क्लॉज सी कहता है टू आंसर ऑल रेलेवेंट क्वेश्चंस पुट टू हिम बाय बायर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड टाइटल डीड। ये लायबिलिटी है सेलर का कि वो बायर के द्वारा रेज किए गए सभी रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर दे। अगर वो क्वेश्चंस प्रॉपर्टी या उसके टाइटल डीड से रिलेटेड है, यानी यहां पे सेलर कौन है, सेलर बाउंड है बायर के रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड टाइटल डीड्स। क्लियर, अगर हम क्लॉज डी को देखें तो ये कहता है इफ डिसाइडेड बाय सेलर टाइम एंड डेट, यदि सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में टाइम और डेट को मेंशन कर दिया था ऑन विच प्रॉपर्टी विल बी डिलीवर्ड टू बायर इट मस्ट बी डन ऑन सच डेट। तो यदि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में सेलर ने मेंशन कर दिया है कि इस पर्टिकुलर डेट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाएगी, तो ही इज बाउंड टू डिलीवर द प्रॉपर्टी ऑन सच डेट एंड टाइम। क्लॉज ई कहता है टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड टाइटल डीड्स विच आर इन हिज पोजेशन और डिलीवरी येट टू बी मेड। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट फॉर सेल, हो सकता है कि इन दोनों ही पार्टीज के बीच ये अग्रीमेंट हो कि पहले आपको पेमेंट करना है तभी प्रॉपर्टी का पोजेशन और टाइटल डीड्स आपके पास जाएंगे। तो ये कह रहा है कि मान लो अगर जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन
सेलर के पास है क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है या पेमेंट कुछ समय बाद होगा फ्यूचर में, तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो चुका है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द लाइबिलिटी ऑफ सेलर कि वो प्रॉपर्टी का ख्याल रखे, प्रॉपर्टी का केयर टेक करे। ऑलराइट, क्लॉज एफ कहता है टू गिव पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन रिक्वायर्ड बाय बायर और एनी पर्सन सो डायरेक्टेड बाय बायर। क्लॉज एफ कहता है कि जब सूटेबल टाइम आएगा और जब बायर प्रॉपर्टी के पोजीशन को मांगेगा, अगर उसने सारा पेमेंट्स कर दिया है, तो इट इज द लायबिलिटी ऑफ सेलर कि वो प्रॉपर्टी का पोजीशन डायरेक्टली या तो बायर को कर दे या बायर ने किसी पर्सन को ऑथराइज्ड किया है कि सेलर तुम्हें जो प्रॉपर्टी है वो इस पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफर करना है, तो सेलर इज बाउंड टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी टू दैट ऑथराइज्ड पर्सन, उसी ऑथराइज्ड पर्सन को डिलीवर करेगा। अब जो क्लॉज जी है वो कहता है द प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू बी सोल्ड, जो प्रॉपर्टी हम बेचने जा रहे हैं या जो प्रॉपर्टी हम सेल करने जा रहे हैं अंडर द सेल अग्रीमेंट, इफ मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट, यदि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है बाय बोथ द पार्टीज कि जो प्रॉपर्टी है इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल एनकंब्रेंसेस, जो प्रॉपर्टी है जिसे मैं खरीद रहा हूं, सपोज बायर ने मेंशन कर दिया था कि ये सभी प्रकार के एनकंब्रेंसेस मतलब चार्जेस से फ्री होना चाहिए, यानी कोई भी इंटरेस्ट ड्यू नहीं होना चाहिए, अगर हाउस टैक्स पेड नहीं है तो उसे पे करो आप, कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए, तो अगर ये कंडीशन था तो कह रहा है ऑल दोज एनकंब्रेंसेस मस्ट बी क्लियर्ड फर्स्ट, क्योंकि अब अग्रीमेंट हो चुका है कि जो प्रॉपर्टी है उस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होना चाहिए, तो ये सेलर की लायबिलिटी है कि वो इन चार्जेस को क्लियर करे एट हिज ओन कॉस्ट। क्लियर।